सब्सक्राइब कीजिए इफेक्टिव वर्ड यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। इफेक्टिव वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मछली पालन और खाने में खूब पसंद से खाई जाने वाली मांगुर मछली पर आखिर क्यों रोक लगाई गई। लेकिन इसको जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल इफेक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, विदेशी थाई मांगुर पालने वाले मछली पालकों पर अब कार्रवाई हो सकती है। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित क्रांति न्यायाधिकरण ने 22 जनवरी को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि मत्स्य विभाग के अधिकारी टीम बनाकर निरीक्षण करें और जहां भी इस मछली का पालन हो रहा है उसको नष्ट कराया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि मछलियों और मत्स्य बीज को नष्ट करने में खर्च होने वाली धनराशि उस व्यक्ति से ली जाए जो इस मछली को पाल रहे हों। इस मछली को वर्ष 1998 में सबसे पहले केरल में बैन किया गया था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में देश भर में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह मछली मांसाहारी है, यह इंसानों का मांस खाकर भी बढ़ जाती है। ऐसे में इसका सेवन सेहत के लिए भी काफी घातक है, इसी कारण इस पर रोक लगाई गई है। ऐसा बताते हैं कि इसका पालन बांग्लादेश में ज्यादा किया जाता है, वहीं से इस मछली को पूरे देश में भेजा जाता है। कई बार यहाँ छापे भी मारे जाते हैं पर कोई कानून न होने की वजह से कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो पाती। यह मछली जहाँ मिलती है वहाँ इसको मारकर गाड़ दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में थाई मांगुर के पालन पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मछली मंडियों में इसकी खुलेआम बिक्री हो रही थी। थाई मांगुर का वैज्ञानिक नाम क्लेरियस गेरिपाइंस है। मछली पालक अधिक मुनाफे के चक्कर में तालाबों और नदियों में प्रतिबंध थाई मांगुर को पाल रहे हैं, क्योंकि यह मछली 4 महीने में 2.5 से 3 किलो तक तैयार हो जाती है, जो बाजार में करीब 200 रुपए किलो मिल जाती है। इस मछली में 80% लेड और आयरन के तत्व पाए जाते हैं। थाईलैंड में विकसित की गई मांसाहारी मछली की विशेषता यह है कि यह किसी भी पानी में तेजी से बढ़ जाती है। जहां अन्य मछलियां पानी में ऑक्सीजन की कमी से मर जाती हैं, वहीं मांगुर मछली ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। थाई मांगुर छोटी मछलियों समेत यह अन्य जलीय कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। इससे तालाब का पर्यावरण भी खराब हो जाता है। इसका सेवन मनुष्य की सेहत के लिए काफी खराब है। इससे मनुष्यों में कई घातक बीमारियां हो सकती है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन बाजारों में कोई रोक टोक न लगने के कारण इसकी बिक्री आसानी से की जा रही है, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो दोस्तों, इस कारण से सरकार मांगुर मछली पर बैन लगा रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल इफेक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब करें।